कंटेस्टेंट भी लिमिटेड रह गए और उसमें ही अपने दो भाई हैं, तो मैंने ठीक है भाई जब वो बाहर आएंगे तब मिलेंगे। तो गाइस आप लोग वीडियो तो देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते भाई, एक ही सेकंड लगेगा, जल्दी से कर लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, एलवी यादव को बिग बॉस घर का कैप्टन बना दिया, अब सारा कंट्रोल एलवी यादव के हाथ में है। तो गाइस आज की वीडियो में लक्ष्य चौधरी ने रिएक्ट किया एलवी यादव और फुकरा इंसान के ऊपर। एंड गाइस जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कुछ दिन पहले बिग बॉस में वीकेंड का वार था, जहां पर एलवी यादव और फुकरा इंसान को दोनों को भड़काया जाता है ताकि इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए। उसके बाद लक्ष्य चौधरी ने क्या रिएक्ट किया दोनों के ऊपर, आप खुद सुन लो। उस देख नहीं रहा, ऊपर से मैं जो पहले भी देख रहा था वो भी रील्स में देख रहा था, और जो घर के अंदर हो रहा है, जो वो लोग करना चाह रहे हैं कि अपने मित्रों को आपस में लड़वाना, तो फिर वो सब देख के मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मैंने कहा यार क्या ही देखना, और सब डल से पड़ गया बंदर उसके बाद, और कंटेस्टेंट भी लिमिटेड रह गए और उसमें ही अपने दो भाई हैं, तो मैंने ठीक है भाई जब वो बाहर आएंगे तब। एंड गाइस लक्ष्य चौधरी ने ध्रुव राठी की बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री के ऊपर भी रिएक्ट किया है। एंड जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, ये वाला ट्वीट काफी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और इस ट्वीट के अंदर बताया जा रहा है कि ध्रुव राठी वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले बिग बॉस के अंदर। उसके बाद लक्ष्य चौधरी रिएक्ट करते हैं ध्रुव राठी के ऊपर कि उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि बिग बॉस हाउस के अंदर आ जाए। लेकिन मैं एक न्यूज देख रहा था कि लोग कह रहे हैं कि भैया मिस्टर जर्मन बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, वो नहीं जाएगा। पहली बात तो उसके अंदर इतने गट्स है नहीं, और वो कभी बता के इंडिया आएगा ही नहीं, ठीक है। मैं उसका ये चीज मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ, बता के नहीं आता कभी इंडिया, तो वो नहीं आएगा वहाँ पे, तो मतलब कोई चांस ही नहीं है। जितने पेजेस वगैरह हैं जो डाल रहे हैं वो सिर्फ ऐसे ही क्लाउड के लिए डाल रहे हैं कि कमेंट्स आ जाएंगे, चर्चा हो जाएगी वापस से। शायद बिग बॉस वाले ऐसी मार्केटिंग कराना चाह रहे हो, बट वो नहीं आएगा। मेरा जो इरादा था कि मैं कभी जाऊंगा, क्या मैं कंसिडर करूंगा। बाकी गाइस आप लोगों को क्या लगता है, क्या ध्रुव राठी बिग बॉस के अंदर वाइल्ड कार्ड एंट्री लेने वाले हैं या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।